हेलो गाइस, नमस्कार, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं फर्स्ट व्लॉग बना रही हूँ, तो मतलब फर्स्ट व्लॉग एक साल के बाद वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि एक साल थोड़ा बिजी थी, घर का काम चला हुआ था, उस कारण मैं व्लॉग नहीं बना पाई। अब घर बन गया है, मतलब पूरा क्लियर नहीं हुआ है लेकिन बन गया है। अब मैं वीडियो बनाना शुरू किया है, तो आज मैं फ़र्स्ट व्लॉग बना रही हूँ। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगी, मैं नए घर में आ गई हूँ। ये देखो, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये घर बना दिया हमने, लेंटर पड़ गया है, अभी बाकी तैयारी अभी कुछ नहीं हुई है, ये देखिए। बाकी मैं अब आपको अपने ब्लॉग में जो है वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा जो है वीडियो बनाती रहूँगी, कुकिंग करेगी, बाकी हंसी मजाक वाली जोक वाली जो भी वीडियो है मैं आपको बनाती रहूँगी। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, इसमें गलतियाँ भी बहुत सारी होंगी, तो आप कृपया माफ़ करना। और बाकी मैं थोड़ा थोड़ा जो है हर वीडियो में आपको दिखाती रहूँगी, कि कोशिश करूँगी कि आपको कुछ नया लेके आऊँ हर रोज़, तो पूरी कोशिश रहेगी कि आपको कुछ नए वीडियो में दिखाऊँ, जिसके कारण मैं अपने पति के बारे में बताऊँगी। वो थोड़ा बीमार है तो अभी सोए रहते हैं, उनको उठने के लिए मना किया हुआ है, तो मैं बाकी देखते हैं आगे। अब चाय का टाइम हुआ है, चाय भी बनानी है, तो मैं चाय बनाने जा रही हूँ। तो आप देखिए, मैं आपको अंदर का व्यू दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये व्यू आपको अच्छा लगा होना, देखिए बहुत ही सुंदर व्यू है। और गाइस ये देखिए, ये हमारा घर है, ये हमने घर बनाया हुआ है। और हम जो है, पुराना घर हमारा काफ़ी नीचे था, तो आने जाने में एक घंटा लग जाता था, तो जिस कारण हमें वहाँ पर रोड वगैरह कुछ भी नहीं है, तो हमें पैदल ही आना पड़ता था। और फिर हम ये देखिए, हम रोड के नज़दीक आ गए हैं, और मैं आपको घर का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये हमारा हॉल है, ये हमने हॉल छोड़ा है, काफ़ी बड़ा तो नहीं है पर है छोटा सा। देखिए ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा बेडरूम है, ये मैंने शिव जी की तस्वीर लगा के रखी है, क्योंकि मैं शिव जी का व्रत करती हूँ। और ये हमारे सासू जी का, मम्मी जी का रूम है, जो अभी आए नहीं है वो भी पुराने घर में है। और ये हमारा छोटा सा किचन है, जिसमें मैंने अभी थोड़ा बहुत ही सामान रखा हुआ है। अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। गाइस ये देखिए, हमने लोहे का दरवाजा लगा के रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर आते हैं, जंगल नज़दीक में है। ये देखिए गाइस, मैं आपको बाहर से व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये हमने मैंने और मेरे पति ने बहुत मेहनत करके बनाया हुआ है, ये देखिए। और ये हमने जो है यहाँ पे टेम्परेरी बाउंड्री लगाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा खतरा है। ये हमने लकड़ी से बना के रखा हुआ है सारा। ये देखिए अभी सामान भी बहुत सारा बच गया है, हमने एक लेंटर वो डालना है छोटा सा बाथरूम का। ये देखिए यहाँ ऊपर जंगली जंगल है बहुत सारा, आपको दिख रहा होगा। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जियो का टावर लगा हुआ है, तो जियो का नेटवर्क तो फुल आता है यहाँ पे। और एक टावर यहाँ पीछे दूसरी साइड भी है, पानी का टैंक भी है यहाँ पे नज़दीक में। और ये देखिए यहाँ पर पूरी हमारी बाउंड्री है, ये ऊपर तक आप देख सकते हैं, ये सारी जितनी भी है हमारी है, पर हमने टेम्परेरी बाउंड्री लगाई हुई है। और ये देखिए रोड भी कितना नज़दीक में, अब यहाँ पर हमने रोड करके यहाँ पे घर बनाया, क्योंकि नीचे बहुत दूर था। आप देख रहे होंगे वो नीचे जो रोड दिख रहा है, वो नीचे छोटे छोटे जो घर दिख रहे हैं वहाँ पे हमारा पुराना घर था, तो कम से कम एक घंटा तो लग ही जाता था। तो अब यहाँ पे देखिए ये रोड नज़दीक में है, रोड के साइड में हमने घर बनाया हुआ है। और हमारे ब्रूनो भी है एक, वो पता नहीं कहाँ चली गई घूमने, उसको घूमने के लिए छोड़ा हुआ मैंने, तो आई नहीं अभी। और ये देखिए, ये मैंने मटर लगाए हुए हैं, और ये मिट्टी, मतलब यहाँ पे जो है ना, ये देखिए ये मटर लगाए हैं, और यहाँ पे खुदाई नहीं हुई है क्योंकि पत्थर है बहुत सारे, तो ये बड़े नहीं हुए, छोटे छोटे हैं। लहसुन भी छोटा सा ही है, पर हाँ अगली बार के लिए पता चल गया कि कितनी खुदाई करनी है इसमें। तो ये देखिए, अब मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। ये दो रूम ये भी हैं, एक इस साइड को और एक ही इस साइड को, जो अभी स्टोर बने हुए हैं, इनमें हम जो है एक से एक में रेत रखी हुई है, एक में लकड़ी रखी हुई है, जो बाद में निकालेंगे हम अभी। और ये देखिए,
तो गाइज ये मैंने आज फर्स्ट ब्लॉग बनाया है, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। छोटा सा ब्लॉग मैंने इसलिए बनाया क्योंकि फर्स्ट ब्लॉग है, एक साल के बाद ब्लॉग बनाया तो डर लग रहा है बहुत सारा। और आप सोच सकते हो मतलब कि पहली बार जो ब्लॉग बनाना उसमें कितना डर लगता है, और मतलब ऐसा लगता है कि जैसे एग्ज़ाम टाइम होता है जैसे डर लगता है, वही डर है। तो बाकी बहुत सारी गलती हुई है, तो आप प्लीज़ गलतियों को इग्नोर करना। और हाँ, हो सके तो मतलब कमेंट में बताना मेरे को कि हाँ ये गलती हुई है यहाँ पे, तो मैं उसको अच्छे से करूँगी अगली बार अगले ब्लॉग में। और बाकी आपको मैं अपने ब्लॉग में, मेरे ब्लॉग में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो आपको नई नई डिश बना के बताऊँगी कि हाँ इसके लिए ये होता है, ये मतलब यहाँ की हिमाचली डिश जो है मैं वो आपको बना के बताऊँगी। और बाकी फ़नी वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी। और बाकी देखिए भाई, बाकी यहाँ का भी आप देख सकते हो कितना अच्छा है। तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर देखो गाड़ी आ रही है मेरे पीछे, ये देख रहे हैं कि यहाँ के लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि ये देखिए लग पड़ी ब्लॉग बनाने। और बाकी छोड़ो, दुनिया तो बातें करती है, बाकी अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू, देखिए कितना मस्त व्यू है यहाँ को। शाम के टाइम पर यहाँ पर बिल्कुल लाल लाल सूरज दिखता है, तो बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है यहाँ से। और वहाँ पर सामने बहुत ही पुराना मंदिर है जिसमें वो माता रानी का मंदिर है, माता मंगरौली नाम है उनका, तो बहुत ही पुराना मंदिर है। और वहाँ पे मतलब अब देखिए वो कितना बड़ा मंदिर बन गया है। और मैं एक दिन वहाँ पे जाके गई थी, पर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, तो मेरे को मतलब शर्म महसूस हो रही थी, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। अब मैं एक दिन जाऊँगी, आप अगर इस वीडियो को, मेरे ब्लॉग को अगर लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मैं वहाँ का मंदिर का ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। मैंने एक साल पहले वीडियो बनाई थी जिसे, और फिर मैं उसके बाद थोड़ी बिजी हो गई, घर का काम चला हुआ था तो उस कारण मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो आज मैं एक साल के बाद वीडियो बना रही हूँ, थोड़ा डर भी लग रहा है मतलब बड़े दिनों के बाद बना रही हूँ, तो पर फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगे। तो मैं आपको यहाँ का व्यू भी दिखाती हूँ, यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है। और आप देखिए जरा कितना अच्छा व्यू है यहाँ का, ये देखिए गाइस, ये हमारे घर से व्यू दिखता है। और यहाँ पे पार सामने देखिए मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। किसी टाइम में वहाँ का ब्लॉग भी आपको दिखाऊंगी। बाकी थैंक यू।